हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिवस कॉन्ट्रासेप्टिवस की जिसको हम कहते हैं बर्थ कंट्रोल फर्टिलिटी कंट्रोल के लिए जो हम अलग अलग डिवाइज वगैरह यूज़ करते हैं मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं सभी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे तो हमारा मेन टॉपिक रहेगा मेथड ऑफ वेरियस कॉन्ट्रासेप्स एंड देयर इफेक्टिवनेस तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में सो लेट स्टार्ट इन दिस लेक्चर बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर देर सब्सक्राइब द चैनल एम प्रेस द बेल आइकॉन एंड नीवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स रॉक्स का मोबाइल एप्लीकेशन अब अवेलेबल है तो डाउनलोड करिए एप फार्मारॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एपल आईफन एप ऑन ऐप स्टोर So get the study material, test series, video lecture on the F PharmaRocks. Rocks. So we download kariye F Pharma Rocks Android app on Google Play, Apple iPhone app on App Store. Get the link in description box. The information given in this video for examination purpose only for pharmacy students. The images and content used for

तो बर्थ कंट्रोल ऑल्सो नॉन एज ए कॉन्ट्रासेप्शन एंड फर्टिलिटी कंट्रोल इज मेथड और डिवाइस यूज टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी कि प्रेग्नेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो अलग अलग कोई आप डिवाइस यूज करते हैं या फिर आप कोई मेथड यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्शन या फिर फर्टिलिटी कंट्रोल और इट इज़ ऑल्सो कॉल ए बर्थ कंट्रोल तो ये जो तीनों जो नाम है वो एक दूसरे के सीनो से फॉर द बर्थ कंट्रोल और उनका जो मेन पर्पस है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी बर्थ को कंट्रोल करने के लिए फर्टिलिटी को कंट्रोल करने के लिए जो हम मेथड एंड डिवाइस यूज करते हैं वो कहा जाएगा कॉन्ट्रासेप्स एंड दूसरे जो वर्ड्स में हम कहे तो उसको हम कहेंगे बर्थ कंट्रोल बर्थ कंट्रोल हैज़ बीन यूज सिंस एंसियंट टाइम बट इफेक्टिव एंड सेफ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल ओनली बिकम्स अवेलेबल इन ट्वेंटी सेंचुरी कि सदियों से बर्थ कंट्रोल की जो अलग अलग मेथड से वो यूज़ होती आ रही है बट जो इफेक्टिव मेथड्स इफेक्टिव एंड सेफ मेथड्स जो थी बर्थ कंट्रोल की वो अवेलेबल हुई इन ट्वेंटिन सेंचुरी कि ट्वेंटिन सेंचुरी के अंदर ये इफेक्टिव एंड सेफ मेथड जो है वो अवेलेबल हुई एंड अभी जो लेटेस्ट हम जो अलग अलग मेथड्स यूज कर रहे हैं अलग अलग डिवाइज यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन यूज कर रहे है वो सभी को हम डिटेल में आप स्टडी करते हैं तो बर्थ कंट्रोल अलो यू टू तो प्रिवेंट द प्रेगनेंसी द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्सन हेल्प यू टू डिटर्माइन हाउ मेनी चिल्ड्रंस यू मे वॉन्ट टू हैव एज वेल एज द टाइमिंग ऑफ योर प्रेगनेंसी कि प्रेगनेंसी की जो फ्रीक्वेंसीज कि बेबी के बर्थ के बाद आप दूसरे कितने सालों के बाद प्रेग्नेंट होना चाहते हैं फिर जो कहा जाता है कि दो बच्चों के बीच में आप कितना अंतर रखना चाहते हैं हाउ मेनी चिल्ड्रंस यू वॉन्ट तो जो फैमिली प्लानिंग जो कोई करता है स्पेशली फैमिली प्लानिंग तो फैमिली प्लानिंग के अंदर ये बर्थ कंट्रोल्स जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो आपको प्रिवेंट करते हैं टू बी प्रेग्नेंट टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आर वाइडली यूज तो उसके बारे में कुछ मीथ भी है कि जो हम अफवाहे जैसा कह सकते हैं कि जो मीथ एंड उसके रिलेटेड ट्रू तो मीथ यह है कि लेमन एंड विनेगर कैन बी यूज एज ए हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव तो ये कंप्लीटली मीथ है बट ट्रू इज दैट द हाइमन डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रेगनेंसी तो दिस इज द ट्रू कि हाइमन डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द प्रेगनेंसी सेकेंड मीथ इज नेचुरल प्रेगनेंसी आफ्टर फोर्टी फाइव इज इम्पॉसिबल तो दिस इज ए मीथ थर्ड इज यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग मैंस ट्यूरेसन तो दिस इज ऑल्सो द मीथ प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल विथ इंटरप्टिड सेक्सुअल इंटरकोर्स तो ये भी मीथ है तो ये है मीथ रिगार्डिंग द बर्थ कंट्रोल और वो ट्रू चीज़ हम जानते हैं कि इफ यू मिस टेकिंग ए पील यू कैन गेट प्रेगनेंट दैट इज अ ट्रू कि अगर आप कोई मिस कर देते हैं बर्थ कंट्रोल पिल तो आप जो है वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं डू नॉट गेट प्रेगनेंट वाइल यू आर ब्रेस्ट फीडिंग तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेफ डेज कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलेंडर कि अगर आपका जो मैंस्टोरियल साइकिल जो हम कहते हैं वो रेगुलर है तो उसके बेसिस पे आप सेफ डेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं एंड जो हाईमेन होता है डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द प्रेगनेंसी तो ये थे ट्रू एयर उसके सामने जो हमने देखे मिथ तो कॉन्ट्रासेप्टिवस अ डिवाइस और ड्रग सर्विंग टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी आर कॉल ए कॉन्ट्रासेप्टिव तो कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है प्रिवेंटिंग द स्प फ्रॉम गेटिंग टू द एग कि हमें पता है कि जो फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके लिए जरूरी होता है एक मेल में से कहे तो स्पम एंड फ्रॉम द फीमेल दैट इज एग अब आपको क्या करना है स्पॉम्स को प्रिवेंट करना है फ्रॉम गेटिंग टू द एग्स की स्पॉम्स एंड यहां पे है एग तो दोनों को आपको एक दूसरे से मिलने से जो है वो दूर करना है तो उसके लिए जो अलग अलग कि दोनों के बीच में दूरी बनाकर रखनी है तो उसके लिए जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं मेडिसिन यूज़ करते हैं एंड ड्रग्स एंड डिवाइज मेथड्स वगैरह जो यूज़ करते हैं वो कहे जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टि एंड दे प्रिट दाम फ्राम गेटिंग टू द एग्स कि जिसके अलग अलग एग्जाम्पल है कि सबसे पहले तो कॉन्डम की जो मेल कॉन्डम एज वेल एज ऑल्सो द फीमेल कॉन्डम बर्थ कंट्रोल की जो पिल्स आती है हॉर्मोनल पिल्स एज वेल एज हॉर्मोनल रिंग भी अवेलेबल है यू आई डी इंजेक्शन सर्जिकल स्टरिलाइजेशन कि आप सर्जिकली कोई सर्जरी करवा के कि जो हम बात करते हैं नर्सबंदी की पुरुष नर्सबंदी या फिर महिला नसबंदी दोनों नसबंदी कराई जाती है कि जो है सर्जिकल टेक्निक ऑफ स्टरिलाइजेशन फिर इम्प्लांट्स भी काफ़ी पॉपुलर हुए हैं फिर कोइटस इंटरप्टस कैलेंडर रिदम मेथड कि जब आपका मैंस्ट्रल साइकिल रेगुलर होता है तो आप कैलेंडर मेथड्स को जो फॉलो कर सकते हैं फिर पैचिस कि जैसे यूआईडी लगाते हैं आप वैसे ही पैचेस एंड डायाफ्रम तो ये है अलग अलग टेक्निक्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की जो वाइडली यूज होते हैं टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी स्पेशली फैमिली प्लानिंग के लिए एज वेल एज दो बच्चों के बीच में आपको कितना अंतर रखना है एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको कितने चिल्ड्रंस चाहिए हाउ मेनी चिल्ड्रंस यू वॉन्ट तो उसके बेसिस पर यह अलग अलग जो मेथड्स है वो यूज की जाती है फॉर कॉन्ट्रासेप्सन तो डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिवस की जो काफ़ी पॉपुलर है उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सेकेंड है फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थर्ड इज मेल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड फोर्थ है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो ये चार काफ़ी पॉपुलर है कि सबसे पहले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिवस उसके बाद फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेल के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव की अलग अलग टेक्निक्स हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स तो ये चार जो है वो मेन काफ़ी पॉपुलर है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं औरल से के जो आपने देखा होगा माला डी करके है माला एन कि जिसके अंदर मेन जो कोई ड्रग होती है वो है लिवन और गेस्टेरॉल एंड इथाइल एस्ट्रोडायल टेबलेट एस पर द आई पी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग टू इसको बनाया जाता है विथ फेरस फ्यूमारेट जिसके अंदर फेमस प्य फ्यूमारेट भी उसके अंदर इंक्लूडेड होता है कि जिसको कहा जाता है गर्भ निरोधक गोलिया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो द बर्थ कंट्रोल पिल वर्कस बाय स्टॉपिंग द स्पॉम फ्रॉम ज्वाइनिंग विथ एन एग विच इज कॉल ए फर्टिलाइजेशन कि ये पील्स जो है वह काम कैसे करती है तो द बर्थ कंट्रोल पिल्स वर्क बाय स्टॉपिंग द स्पर्म फ्रॉम जॉइनिंग विथ एक समझो कि ये साइड ये स्पॉम है और हियर देयर इज ए एक तो दोनों को एक दूसरे के साथ जो मिलते हैं वो प्रिवेंट करना करता है एंड वर्क्स बाय स्टॉपिंग द स्पर्म फ्रॉम ज्वाइनिंग विथ एक की जो स्पर्म एंड एग जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे तो उसको करेगा ये प्रिवेंट करवाएगा कि जो हम प्रोसेस करते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन के टेक्निक जो स्पॉम एंड एग दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जो तैयार करते हैं जाइकॉट और उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन दैट वॉज कॉल ए फर्टिलाइजेशन तो मेनली आपको फर्टिलाइजेशन ही प्रिवेंट करना है और ये मेडिसिन जो है वो इस तरह से काम करती है कि वो प्रिवेंट करवाती है स्पम को ज्वाइन होने से द हॉर्मोन्स इन पिल स्टॉप द ओवलेसन ये खास इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि द हॉर्मोन्स इन पिल ये पिल्स के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं स्टॉप करते हैं इव कि जो ओवुलेशन साइकिल होता है वो स्टॉप करता है नो ओवुलेशन मीन देयर इज नो एक जब ओवुलेशन जो होता है तभी ये जो एग है वो फॉर्म होता है तो समझे कि ओवुलेशन ही नहीं होगा तो नो एग। नो ओवुलेशन इज इक्वल टू नो एग। एंड नो एग इट मीन्स नॉट फर्टिलाइजेशन तो सिंपली ये हो जाएगा कि जब एग ही नहीं स्पॉम्स भले आते हैं बट समझो कि एग अवेलेबल नहीं है तो फर्टिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज एग एंड स्पॉम्स दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ही फर्टिलाइजेशन होगा भले समझो कि काफी सारे स्पॉम्स आ रहे हैं इवन प्रेजेंट भी है बट समझे कि एग नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन जो है वो होना पॉसिबल नहीं है और इस तरह से जो है वो बर्थ कंट्रोल होता है आगे सीखते हैं उसके बारे में कि सो प्रेगनेंसी कांट हैपन ड्यू टू दिस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिज द पील हॉर्मोन ऑल्सो थीकन द म्यूकस ऑफ द सर्विक्स। तो सर्विक्स का जो म्यूकस होता है उसको भी वो काफ़ी ठीक करता है एंड नो ओविलेशन मीन्स देर इज नो एग बिकॉज द हॉर्मोन प्रेजेंट इन दिस पिल्स स्टॉप द ओविलेशन तो ये आपके लिए है बहुत बड़ा एम सी क्यू के लिए पिन पॉइंट के हाउ दिस पिल्स आर वर्क ये जो पील्स है वो किस तरह से काम करती है तो उसके अंदर दो मेन जो हॉर्मोन्स जो हम कहते हैं सेक्स हॉर्मोन्स जो होते हैं प्रोजेस्टिन एंड एस्ट्रोजन तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर ये दो मेन ड्रग्स हैं उनके कॉम्बिनेशन रहते हैं उसके अंदर जो आप माला डी देखें माला डी के अंदर ट्वेंटी वन टैबलेट्स जो है वो होती है हार्मोनल पिल्स एंड सेवन जो है होती है कई बार प्लेसिबो होती है या फिर वो फेरस सल्फेट की 60 एम टेबलेट्स रहती है तो इस तरह से टोटल ट्वेंटी एट टैबलेट्स जो है वो दी जाती है पैकेज के अंदर तो उसके अंदर होता है नॉर्गेस्ट्रेल एंड इथिनाइल एस्ट्राडायल की नॉर्गेस्ट्रेल की जो क्वांटिटी होती है ओनली जीरो पॉइंट थ्री एम जी एंड इथिनाइल एस्ट्राडायल जो है उसका कंटेंट होता है ओनली थर्टी माइक्रोग्राम फिर जो सेकंड है ओवर जी टैबलेट्स उसके अंदर नॉर्गेस होता है पॉइंट फाइव एम जी एन इस्ट्राडायल होता है फिफ्टी माइक्रोग्राम उसके बाद ओवरऑल है डिओ एल ट्वेंटी वन टैबलेट्स कि जिसके अंदर लियोन और गेस्ट्रेल है एंड वो है उसकी क्वांटिटी ओनली पॉइंट ट्वेंटी फाइव एम जी इथिनाइल एस्ट्राडायल जो है वो है फिफ्टी माइक्रोग्राम तो इस तरह से काफ़ी सारे ऐसे ट्रेड नेम्स वाले ये फार्मूलेशन अवेलेबल है कि जिसके अंदर मेन जो ड्रग्स है कि कुछ जो पिल्स है उसके अंदर और गेस्ट्रेल प्रेजेंट है एस्ट्रोजन तो ये एक ही है सभी के अंदर आप देख सकते हैं कॉमन एस्ट्रोजन की जो है इथीनाइल एस्ट्राडायल वो कॉमन है कोई भी आप पिल लोगे कॉन्ट्रासेप्टिवस की इसके अंदर ये एस्ट्रोजन कॉमन रहेगा जस्ट उसकी जो क्वांटिटी किसके अंदर थर्टी माइक्रोग्राम होता है किसी के अंदर फिफ्टी या फिर किसी के अंदर ओनली ट्वेंटी माइक्रोग्राम एंड प्रोजेस्टिन के तीन अलग अलग वर्जन्स नॉर्गेस्ट्रेल लिवो नॉर्गेस्ट्रेल एंड डेसोगेस्ट्रेल ये तीन जो है वो अवेलेबल थे जिसके अंदर डैसोगेस्ट्रेल जो है वो सिर्फ पॉइंट वन फाइव एम जी स्ट्रेंथ में भी यूज़ होता है एंड लियोनॉर्गोस्ट्रेल पॉइंट वन एंड पॉइंट फिफ्टीन एंड पॉइंट ट्वेंटी फाइव तीन अलग अलग के रेंज में वो यूज होता है तो दे ऑल्सो कॉल ए बर्थ कंट्रोल पिल्स ओवर हंड्रेड मिलियंस व्यूमन वर्ल्ड वाइड आर करंटली यूजिंग दिस हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसके अंदर ये मेन दो सेक्स हॉर्मोन्स प्रोजेस्टिन एंड एस्ट्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनके ये अमाउंट्स एंड ये अलग अलग ट्रेड नेम्स तो बर्थ कंट्रोल पील्स वेयर वन ओनली पैक्स एस ट्वेंटी वन डेज ऑफ एक्टिव हार्मोन पिल्स एंड सेवन डेज ऑफ प्लेसिबो कुछ पिल्स ऐसी होती है जो सेवन डेज के जो ये प्लेसिबोज होते हैं कि ये आप देखिए यहाँ से कि जब आ, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है यहाँ से स्टार्टिंग है कि दिस वन फर्स्ट फिर सेकंड पिल दिस इज द थर्ड फॉर फाइव उसके बाद ये सिक्स सेवन एट नाइन फिर टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन उसके बाद सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइन्टीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन उसके बाद ये ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ये जो ट्वेंटी एट डेज का जो मैंस्टोरियल साइकिल होता है वो समझो कि आपका प्रॉपर रेगुलर है तो उस वक्त ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है एंड ट्वेंटी वन जो होती है एक्टिव डेज की पिल्स एंड सेवन डेज के प्लेसिबोज रहते हैं या फिर उसके अंदर फेरस सल्फेट की भी टैबलेट जो है वो प्रेजेंट होती है तो प्लेसिबो या फिर फेरस सल्फेट ऑप्शन रहता है ये सेवन टैबलेट्स के लिए एंड बाकी के ट्वेंटी वन डेज की जो मेन एक्टिव हार्मोन पिल्स सेकंड ऑप्शन है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस की जिसको ऑल्सो दिस इज ऑल्सो कॉल ए टी की जिसको कहा जाता है आई यू डी आई यू डी के नाम से ये काफ़ी फेमस है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस की जो डायरेक्टली जो यूटेरस का जो ये पोर्सन है वहां पे उसको ये सेट किया जाता है इन द यूटेरस इसी के कारण उसको कहा जाता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस विथ कॉपर ऑल्सो नॉन एज ए इंट्रा यूटेराइन कॉयल इज ए टाइप ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस विच कंटेन्स द कॉपर एंड ऑल्सो इट इज कॉल ए कॉपर टी उसका जो सेप होता है वो इंग्लिश का ये टी जैसा होता है प्लस उसके अंदर प्रेजेंट होता है कॉपर जिसके कारण उसको कॉपर टी भी कहा जाता है इट इज़ यूज फॉर बर्थ कंट्रोल एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्सन विद इन फाइव डेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स कि जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है तो वो बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ होता है एज़ वेल एज़ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्स के लिए भी वो यूज़ होता है दोनों तरीके से कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए समझो कि कॉन्ट्रासेप्सन्स चाहिए तो ये कॉपर्टी जो है वो आप प्रॉपर गाइनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस के साथ जो है वो प्रीफर कर सकते हैं कि जो फीमेल कॉन्ट्रासेप्सन्स का ऑप्शन है एक ऐसे डिवाइस है कि जिसका जो सेप है वो टी सेप की है उसके अंदर होता है मेन जो कॉपर होता है जिसके कारण उसको कहा जाता है कॉपर टी कि ये जो आप देख सकते हैं कि टीज़ जो बन रहा है और इस तरह से ये होती है डिवाइस कि आप जो डायग्राम के अंदर देख सकते हैं दिस इज द मेन डिवाइस कि ये उसका टी बन रहा है ऊपर का यह पोर्सन और ये दिस वन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द कॉपर और टी सेप के कारण वो कहा जाता है कॉपर टी यूजली थर्टी टू एम एम और वन पॉइंट ट्वेंटी सिक्स इंच उसकी जो है वो लेंथ रहती है तो यह आप देखो तो एटलीस्ट वो रहेगा थर्टी टू एम एम का तो इट इज यूज फॉर बर्थ कंट्रोल एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन विद इन फाइव डेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल विथ ए वन ईयर फेल रेट अराउंड जीरो पॉइंट सेवन परसेंट ओनली वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल और उसका जो फाइल रेट केसेस में ही ये जो है वो फेल हुआ है बाकी के नाइंटी नाइन पॉइंट 99.93 परसेंट केसेस के अंदर वो जो है वो इफ़ेक्टिव साबित होता है तो ये है मेन इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कॉपर्टी कि उसका जो फाइलुड रेट है ओनली 0.7 परसेंट एंड उसका जो सक्सेस रेट है वो अराउंड 99 परसेंट जितना है तो सिंपली आप नियर बाय वैल्यूज़ निकल के समझो कि वन परसेंट जितना उसका है फाइल रेट तो बाकी का 99 परसेंट जितनी उसकी है इफेक्टिवनेस तो ये इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द फीमेल कॉन्ट्रासेप्स की जो टेक्निक आई जिसको कहा जाता है आई भी कहते हैं एज वेल एज उसको कहा जाता है कॉपर टी आई मतलब कि इंट्रा यू मींस यूटेराइन एंड इट मींस द डिवाइस इंट्रा यूटेराइन डिवाइस और कॉपर टी तो ये जो टी है वो इसको इस तरह से यहाँ पे प्रॉपर सेट कर दिया जाता है यूटेरस के अंदर और वो जो है वो प्रिवेंट करेगा बर्थ कंट्रोल उसके बाद जो ऑप्शन है वो है ट्यूबेक्टोमी तो ट्यूबेक्टोमी में से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं एज वेल एज एज अ फार्मासिस्ट आपके पास ये ट्यूबेक्टोमी का भी नॉलेज होना चाहिए तो व्हाट इज ट्यूबिकटोमी तो ट्यूबिकॉमी इज ए परमानेंट कॉन्ट्रासेप्सन एंड स्टरिलाइजेशन मेथड इन वुमेन परमानेंट यहां पे लिखा है कि परमानेंट कॉन्ट्रासेप्सन एंड स्टरिलाइजेशन मेथड इन वुमेन कि जिसके अंदर क्या किया जाता है इट इज ए मेजर सर्जरी इट इज ए मेजर सर्जरी इन विच द फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक और कट सो दैट द एक इज़ अनएबल टू ट्रेवल फ्रॉम द ओवेर टू द यूटेरस देर बाय एलिमिनेटिंग एनी चांसेज ऑफ प्रेगनेंसी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि जो सर्जरी करके सर्जरी करके जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट किया जाता है या फिर उसको ब्लॉक कर दी जाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दिस डायाग्राम कि डायग्राम के ऊपर अब आप खास अच्छे से ध्यान रखिए तो ये वाला जो पोर्शन है दिस वन तो ये आप देखिए यहां पे जूम करके दिखाया हुआ है तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है कि फेलोपियन ट्यूब उसको कर दिया जाता है कट और ब्लॉक कर दिया जाता है तो जिसके कारण समझो कि यहां से ओवेरिज में से जो एक जो है वो इस तरह से ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब में से पास होकर यहाँ यूटेरस के अंदर प्रेजेंट होता है और जब स्पम्प्स आते हैं तो स्पम्प्स के साथ वो जॉइन होके जाइगोट तैयार करता है और आगे जाके जाइगोट और फिर जो 20 डेज ट्वें टू हंड्रेड एंड सेवेंटी डेज़ के साइकिल के बाद जो है वो बेबी का बर्थ होता है तो बर्थ uh, सबसे पहले तो स्टेरिलइजेशन जो टेक्निक है ये कि जो प्रोवाइड करती है परमानेंट तो समझो कि एक ही यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज़ ये जो ट्यूब्स है वो दोनों ब्लॉक की है ये साइड की भी ट्यूब ब्लॉक है एज़ वेल एज़ ये साइड दोनों साइड की जो ट्यूब्स कि लेफ़्ट साइड या फिर राइट right साइड दोनों साइड की जो ट्यूब्स है वो कंप्लीटली ब्लॉक कर दी जाती है उसको कट कर दिया जाता है या फिर उसको जो है वो इस तरह से टाई अप करके ब्लॉक कर दिया जाता है जिसके कारण जो एग्ज है वो यूटेरस में पहुँचते ही नहीं और जिसके कारण देर इज़ नो एग मीन्स देर इज नो फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स द कॉन्ट्रासेप्शन इज एचिव ड्यू टू दिस टेक्निक ऑफ ट्यूबेक्टोमी के ट्यूबेक्टोमी टेक्निक को यूज़ करके जिसको हम कह सकते हैं कि महिला नसबंदी कि जो नसबंदी जो कहा जाता है तो यही है ये यह नसबंदी बट ये है फीमेल्स के अंदर कि जिसको कहा जाता है महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी टेक्निक इन दैट वी ब्लॉक द फेलोपियन ट्यूब और वी कट द फेलोपियन ट्यूब बाय द सर्जरी एंड दिस इज द परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन एंड सर्विलाईजेशन मेथड इन वुमेन तो यहां से एम के भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन एंड स्टरिलाइजेशन मेथड इन वुमेन दैट इज ए ट्यूबेक्टोमी नेक्स्ट इज मेल कॉन्ट्रासेप्टिव जो अब हमें नेक्स्ट जो सीखना है वो है मेल कॉन्ट्रासेप्टिवस तो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर जो टेक्निक्स है कि पूल आउट मेथड एब्सटिन वेसेक्टोमी आउटर कोर्स स्पर्मीसाइड्स एंड क्वाडम तो उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर टेक्निक्स है वो हम सीखते हैं तो सबसे पहले मेल कॉन्ट्रासेप्टिवस के अंदर की जो डिवाइस की जो स्पेशली जो हम कहते हैं क्वान्डम्स तो ये काफ़ी पॉपुलर है तो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल्सो नोन एज ए मेल बर्थ कंट्रोल दिस इज ए मेल बर्थ कंट्रोल कि ये जो टेक्निक्स है वो क्या कर दे कि जो स्पॉम्स है उसको प्रिवेंट करेगी दिस इज द टेक्निक इन विच प्रिवेंट द स्पम्स प्रिवेंट द स्पर्म टू विच स्टिल एक या फिर ये जो है वो प्रिवेंट करेगा स्पर्म्स टू यहाँ पे ये लिखेंगे टू गेट इन टू वज़ाइना एंड टू मीट एग अब समझो कि ये जो क्वान्डम्स के कारण समझो कि जो स्पर्म्स है वो वजाइना के अंदर जाते ही नहीं एंड डायरेक्टली प्रिवेंट होते हैं टू मीट द एक अब समझो कि वजह ना के अंदर जाएंगे ही नहीं तो ना वो मिल पाएंगे एग्स को और सब समझो कि एक के साथ जो उसका जो ज्वाइनिंग है वो आप प्रिवेंट करवा देते हैं तो वो हो जाएगी एक की टेक्निक तो जो पॉपुलर्स है कि जिसके अंदर फीमेल कॉन्डम्स के साथ साथ ये मेल कॉन्डम्स भी काफ़ी फेमस है एज वेल एज़ द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ अदर कॉन्ट्रासेप्शन इंक्लूड द आउटर कोर्स एंड वैसेक्टोमी ऑल्सो तो कॉन्डम्स के साथ जो आउटर कोर्स जो हम कहते हैं एंड वैसेक्टोमी दोनों जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है तो इसके अंदर यहाँ पे लिखा है कि प्रेगनेंसी दैट सोलरली इन्वॉल्व द मेल फिजियोलॉजी और मेल फिजियोलॉजी के अंदर की जो मेल के जो सेक्सुअल जो हॉर्मोन्स होते हैं उसके रिलेटेड भी कुछ आती है पिल्स एज वेल एज मेन जो समझो कि डिवाइस की हम बात करें तो उसमें फेमस है क्वाडम्स तो जो हम बात कर रहे हैं ड्रग्स की तो उसके अंदर है ये स्पर्मिसाइड कि मेल की जो फिजियोलॉजी जो हम कहते हैं कि जो स्पम्प्स कि मेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेन उसकी जो एंड फिजियोलॉजी के अंदर हम देखें तो मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है स्पर्म अब स्पर्म को ही समझो कि आप कील करने वाले ऐसे कोई मेडिसिन डेवलप करते हैं तो उनको हम कहेंगे स्पर्मिसाइड spermicide. तो स्पर्मिसाइड्स के अंदर स्पेशली जो इस तरह की ऑइंटमेंट uh, टाइप या फिर क्रीम फॉर्म जेल ऐसे बहुत सारे स्पर्मिसाइड्स के अलग अलग ये डोजेस फॉर्म के कुछ स्पर्मिसाइड्स जेल फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं समार इन क्रीम एज वेल एज इन ए ऑइंटमेंट फॉर्म कुछ स्पर्मिसाइड डायरेक्टली क्वाडम्स के अंदर भी जो है वो लगाए हुए होते हैं तो डबल प्रोटेक्शन देता है वो कि स्पर्मिसाइड के कारण स्पॉम्स ऑलरेडी किल हो गए एज वेल एज ये जो है वो क्वांडम डायरेक्टली प्रिवेंट करेगा To reach the sperms into the vagina. The spermicide is a type of contraceptives that kill the sperm, kill the sperms or stop it from moving. दो यहाँ पे condition है spermicide जो है वो एक इसको kill करता है plus दूसरी चीज है वो क्या करता है stop from moving, stop the मूविंग जो स्पॉम्स कैसे होते हैं कि स्पेशली जो ये स्पॉम्स होते हैं वो हमें पता है कि वो मोटाइल होते हैं दे आर मोटाइल इन नेचर दे कैन डू द मूवमेंट तो स्पर्मिसाइड्स जो है वो डायरेक्टली उनको किल कर देते हैं या फिर उनको स्टॉप करते हैं मूव करने से जिसके कारण वो जो है वो यूटेरस तक या फिर एक तक नहीं पहुंच पाते और प्रिवेंट होता है फर्टिलाइजेशन हमारा हमारा जो मेन टारगेट होता है स्टरिलाइजेशन टेक्निक्स का कि प्रिवेंट करवाना है फर्टिलाइजेशन किसी भी तरह से तो स्पर्मी साइड में से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें ये जो दो ड्रग्स आपको याद रखनी है कि केमिकल्स इन द स्पर्मी साइड कि कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो एम के लिए ये आपका मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज द फर्स्ट इज नॉन ऑक्जिनॉल नाइन नॉन ऑक्जिन नाइन ये एक फेमस केमिकल है कि जो बहुत सारे इस टाइप के स्पर्मिसाइड क्रीम जेल या फिर ऑइंटमेंट लोशन वगैरह में अवेलेबल होता है कि जो स्पेशली स्पर्मीसाइड के तौर पे काम करते हैं एंड सेकंड मैनफे गोल तो मैनफे गोल एंड नॉन ऑक्जिन ये दोनों काफ़ी फेमस केमिकल्स है कि जो प्रिवेंट करते हैं स्पॉम्स को फ्रॉम एंटरिंग इन टू द यूटेरस तो ये पॉइंट आपको जरूर से आपके रिकॉर्ड बुक के अंदर अच्छे से लिख लेना है कि जो काफी मोस्ट आईएमपी पॉइंट आपके लिए बन सकता है फॉर द एग्जामिनेशन एंड ये पॉइंट है ये स्पर्मिसाइड तो ये स्पर्मिसाइड्स को यूज करके अलग अलग डोजेस फॉर्म के लाइक उसकी जेल बनाई जाती है या फिर उसका आप ऑइंटमेंट बनाते हैं उसकी क्रीम डेवलप करते हैं उसका लोसन एंड दे आर एडेड इन कॉन्डम कि यहाँ पे जो डिसरे डायग्राम में है कि कॉन्डम्स विथ स्पर्मी के इसके जो अंदर जो ये लेटेक्स का जो लेयर होता है उसके ऊपर जो लेयर बनाया जाता है स्पर्मी साइड का तो समझो कि कुछ केसेस के अंदर समझो कि ये ब्रोकन हो जाता है कॉन्डम तो वो इस केसेस के अंदर समझो कि वो स्पर्मी साइड वाला होगा तो कॉन्ट्रासेप्स का काम करेगा इन केस ऑफ फाइलूर ऑफ दिस क्वांडम तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग स्पर्मी साइड यू कैन गेट्स परमिशाइड ओवर द काउंटर ओ टी सी मिल जाते हैं ये ओवर द काउंटर इट इज अवेलेबल इन मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग क्रीम जेल फॉम फिल्म सपोजिटरी एंड टैबलेट की जो टैबलेट कुछ कुछ टैबलेट जो है वह वजाइनल टैबलेट होती है स्पेसली वजाइनल टैबलेट्स कि जो वजाइना के अंदर इंसर्ट की जाती है एज वेल एज सपोजिटरी देन फिल्म फॉर्म जेल एंड क्रीम की जो स्पर्मिसाइड्स के तौर पे काम करती है उसके बाद है एक पॉपुलर टेक्निक वो है वैसेक्टोमी की जिसको कहा जाता है पुरुष नसबंदी कि जो हम पुरुष नसबंदी कहते हैं तो ये है वो वैसेक्टोमी वैसेक्टोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर फॉर मेल स्टरिलाइजेशन और परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन तो इसके अंदर वैसेक्टोमी के अंदर जो है वो स्पॉम्स ले जाने वाली जो मेन ट्यूब है उसको ही कर दिया जाता है ब्लॉक इसलिए कि जैसे कि ट्यूबिक ट्यूबेक्टोमी जिसने अंदर आपने देखा कि फेलोपियन ट्यूब को हम ब्लॉक कर देते वैसे ही जब ये टेस्टिस के अंदर हमें पता है कि जो स्पॉम्स का जो प्रोडक्शन होता है तो यहाँ से जो स्पॉम्स है वो इस तरह से ये ट्यूब के थ्रू पहुंचते हैं तो ये जो ट्यूब ही समझो कि आपने ब्लॉक कर दी है तो यहाँ से आगे स्पॉम्स जो है वो निकलेंगे नहीं कि जो सीमेंट के साथ सीमेंट के साथ जो स्पॉम्स मिक्स होते हैं वो होगा नहीं तो स्पम एंड सीमेंट का जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है तो स्पर्म्स जो है वो उसमें से कंप्लीटली निकल जाएंगे तो जिसके कारण जो है वो प्रिवेंट करेंगे प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द प्रोसीजर द मेल वासा डिफेरेंटिया की जो ऐसे ट्यूब की जैसे फीमेल्स के अंदर फेलोपियन ट्यूब होती है ऐसे मेल के अंदर ये वासा डिफेरेंटिया होता है जिसको कट किया जाता है एंड देन टाई किया जाता है और सील सो so, एज़ टू प्रीवेंट द स्पॉम्स फ्राम एंटरिंग इन टू द यूरेथ्रा एंड देयर बाय प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फीमेल थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स इवन समझे कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं फिर भी जो प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वह बहुत ही जो है वो कम हो जाएंगे बिकॉज ये जो सीमेंट ही होगा बट उसके अंदर स्पॉम्ब जो है वो प्रेजेंट नहीं हो गए बिकॉज ये जो ट्यूब आपने यहाँ से ऑलरेडी कट कर दी है इसमें यहाँ पे लिखा है कि जो मेल वासा डिफेरेंसिया आर कट एंड टाइड कि आप देख सकते हैं कि डिवाइडेड वासा डिफेरेंस ये वाली लाइन तो यहाँ पे देखिए उसको कट करके ये बांध दिया गया है सेम हियर ऐसे सेम प्रोसीजर दोनों टेस्टिस के अंदर किया जाएगा कि दोनों टेस्टिस में से ये जो वासा डिफेंस या जो स्पॉम्स को लेकर जाती है और वो स्पॉम्स फिर पहुंचते हैं यूरेथ्रा के अंदर वो हो जाएंगे कंप्लीटली प्रिवेंट तो इसको कहा जाता है पुरुष नसबंदी कम्प्लीटली सेफ टेक्निक है देयर इज नो एनी कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर दिथ वेसेक्टोमी तो ये भी एक काफ़ी पॉपुलर है वैसेक्टोमी टेक्निक इज ए स्टेरिलाइजेशन और सर्जिकल प्रोसीजर फॉर मेल स्टरिलाइजेशन तो एम सी क्यू के अंदर यहाँ से पॉइंट निकल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्जिकल प्रोसीजर फॉर मेल स्टरिलाइजेशन सो दैट इज ए वैसेक्टोमी तो आपने वैसेक्टोमी भी समझा एंड ट्यूबेक्टोमी तो दोनों को याद रखना है कि वैसेक्टोमी मतलब की पुरुष नसबंदी एंड ट्यूबेक्टोमी मतलब की महिला नसबंदी अब बात है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की दीज आर फॉर यूज़ इन वुमेन नॉट टेकिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव हु हैड ए सेक्सुअल इंटरकोर्स रिस्किंग अनवॉन्टिड प्रेगनेंसी ये जो है वो ऐसे वुमेन्स के लिए है कि जो किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ नहीं करते एंड वो हैड ए सेक्सुअल इंटरकोर्स रिस्किंग द अनवांटेड प्रेगनेंसी दूसरे वर्ड में कहे कि अनसेफ सेक्स या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स अनसेफ सेक्स होता है या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है उस वक्त इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो यूज की जाती है द मोस्ट कॉमनली यूज एंड स्टैंडर्ड रेजिमेन इज अब इसके अंदर मेन जो है वो रेजिमेंट क्या आपको नाम तो सभी ने सुने होंगे उसके ब्रांड नेम्स वगैरह बट उसके अंदर मेन जो कंपोजिशंस क्या होता है कौन सी ड्रग होती है वो हमें समझना है कि जो इंपॉर्टेंट होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए तो उसके अंदर होता है लिवन और गेस्ट्रेल पॉइंट सेवेंटी फाइव एम जी टू डोजेस ट्वेल्व आवर्स अपार्ट और वन पॉइंट फाइव एम जी वन पॉइंट फाइव एम जी सिंगल डोज टेकन एज सुन एज पॉसिबल बट बिफोर सेवेंटी टू आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स उसके अंदर जो मेन ड्रग है वो है लिवोन और गैसटेरॉल दो स्ट्रेंथ है दो डोज है तो समझो कि सेवेंटी फाइव एम वाले टोटल दो डोजे के सेवन पॉइंट सेवेंटी फाइव प्लस पॉइंट सेवेंटी फाइव अगर दो डोज है अगर कर, सिंगल डोज है तो ओनली वन पॉइंट फाइव एम डोज और जब लेने हैं कब लेने हैं तो बिफोर सेवेंटी टू आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स तो ये इम्पोर्टेंट है और आपको एज अ फार्माकोलोजिस्ट के तौर पे या फिर फार्मासिस्ट के तौर पे आपको यह पता होना चाहिए कि उसके अंदर मेन कंपोनेंट क्या है विच इज द मेन कंपोनेंट इन दैट तो इट कंटेंस द लिवन और गेस्टरॉल सेवेंटी फाइव एम जी टू डोजिस ट्वेल्व अवर अपार्ट और वन पॉइंट फाइव एम जी सिंगल डोज टेकन एज सुन एज पॉसिबल बट बिफोर 72 टू आवर्स ऑफ एन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स जिसके अंदर यूली प्रिस्टल थर्टी एम जी सिंगल डोज एज सुन एज पॉसिबल बट विद इन वन ट्वेंटी अवर्स ऑफ इंटरकोर्स एक और ऑप्शन है यूरली प्रिस्टल थर्टी एम जी का कि जो है सिंगल डोज एज सुन एज पॉसिबल बट विद इन वन ट्वेंटी आवर्स ऑफ इंटर कोर्स तो दोनों में से एम सी क्यू पूछे जा सकते हैं एंड तीसरा ऑप्शन है आपके पास मीफे प्रिस्टोन सिक्स हंड्रेड एमजे सिंगल डोज टेकन विद इन सेवन टी टू आवर्स ऑफ इंटर कोर्स सो हियर यू हैव टोटल थ्री डिफरेंट ऑप्शन और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिज दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ लिअन ऑर्गस्ट्रेल ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है यूली प्रिस्टल का एंड थर्ड है मिफे प्रिस्टोन का ये तीनों अच्छे से आपको याद रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एंड वॉट आर द मेन स्ट्रेंथ तो ये आपको याद रखना है तो बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन इंडिया आर आई Then unwanted 72, CLR 72, no will pill, prevent all, and these are the main brands. Birth control methods of emergency type are prescribed in case of PCOS, low estrogen level, unprotected sex, endometriosis, and extreme period pains. कि ये इमरजेंसी जो बर्थ कंट्रोल मेथड है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं पीसीओएस एस पॉलिसिस्टिक ओबेरियन सिंड्रोम के अंदर लो एस्ट्रोजन लेवल अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंडोमेट्रियोसिस एंड एक्सट्रीम पीरियड पेन तो ये थे अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड कॉन्ट्रासेप्शंस के टेक्निक्स अब जानते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस मेथड ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे गए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग हाईएस्ट इफेक्टिवनेस इन द गिवन ऑप्शंस के समझो कि चार अलग अलग ऑप्शन है कि एक ऑप्शन है आई का एक ऑप्शन है दूसरा एक ऑप्शन दिया है आपको स्पर्मिसेड का ऑप्शन ए इज आईओडी ऑप्शन बीजिस ऑप्शन सी इज क्वाडम एंड ऑप्शन डी इज पिल और लिखा है कि ये चारों में से कौन से मेथड के अंदर इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा है तो आप ये टेबल देखोगे बाजू में जो चार्ट है उसके अंदर हम देखेंगे कि आयोडी का जो है रेट 99.2 से लेकर 99.8 जितना इफेक्टिवनेस है आयोडी का स्पर्मी का देखें तो सेवेंटी टू परसेंट लिखा है फिर मेल क्वाडम का देखे तो एट्टी टू परसेंट एंड फीमेल क्वाडम का सेवेंटी नाइन परसेंट एंड जो पील है उसका नाइन्टी वन तो उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा हुआ तो आई तो वो रहेगा आपका करेक्ट आंसर तो ये टेबल में से क्वेश्चंस जो है वो हर बार पूछे गए तो हम सबसे पहले चेक करते हैं ये इम्प्लांट्स कि जिसकी इफेक्टिवनेस वैल्यू है नाइन्टी नाइन फाइव इस तरह के जो इम्प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली लगाए जाते हैं आपके बॉडी के अंदर फिर स्टरिलाइजेशन टेक्निक आप समझो कि ट्यूबेक्टोमी या फिर वैसेक्टोमी करते हैं सर्जिकली तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस साबित हुई है नाइन्टी नाइन पॉइंट फाइव से लेकर नाइन्टी नाइन पॉइंट एट फाइव परसेंट थर्ड इज़ आई कि जिसको हम हम कहते हैं कॉपर्टी आईओ डी या फिर कॉपर टी तो कॉपर टी का है नाइन्टी टू पॉइंट नाइंटी नाइन पॉइंट टू से लेकर नाइन्टी नाइन पॉइंट एट फिर जो इंजेक्शन है कि कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन नाइंटी फोर परसेंट इफेक्टिव है उसके बाद जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो है नाइन्टी वन परसेंट इफेक्टिव फिर उसकी उसी की जो पैच बनाई जाती है कि समझो कि कोई टैबलेट्स लेने में कंफर्टेबल नहीं है तो उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव की पैच आती है तो वो है नाइन्टी वन परसेंट के अंदर फिर ये वजाइनल हार्मोनल रिंग तो वजाइनल हार्मोनल रिंग इफेक्टिव है नाइन्टी वन परसेंट फिर जो डायफ्राम टेक्निक है जो कैप लगाई जाती है जो प्रिवेंट करते हैं स्पम्प्स को यूटेरस के अंदर एंटर होने से उसके इफेक्टिवनेस है नाइन एटी एट परसेंट मेल कॉन्डम्स एटी टू परसेंट कि आप यहां पर चेक कर सकते हैं दीज आर द मेल क्वाडम्स फीमेल क्वाडम उसके बाजू में सेवेंटी नाइन परसेंट विड्रोवल टेक्निक्स कि जो विड्रोवल टेक्निक्स है वो है सेवेंटी एट परसेंट देन सर्विकल कैप सेवेंटी सेवन टू एटी थ्री परसेंट स्पॉन्ज टेक्निक सेवेंटी सिक्स टू एटी एट फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड की जो कैलेंडर रिदम मेथड्स भी हम कहते हैं तो वो है सेवेंटी सिक्स परसेंट इफेक्टिव एंड स्पर्मी साइड्स आर सेवेंटी टू परसेंट इफेक्टिव जिसके अंदर सपोजिटरी भी हो जाएगी तो और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो तो इमरजेंसी में ही ली जाती है तो ये है इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस मेथड मोस्ट आई एम पी फॉर एग्जामिनेशन तो ज़रूर से इसको अच्छे से ये टॉपिक को बिना इग्नोर किए आप यूज़ कर लीजिए अच्छे से तैयार करिए वज़ाइनल डोस भी है एक इफ़ेक्ट ऑफ स्टरिलाइजेशन तो ये सभी मेथड्स जिसमें जो इफेक्टिव है उसमें से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं तो ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ज़रूर से लेक्चर को शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप्स में लेक्चर को शेयर करिए फार्मरकस के व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करिए जिसके लिए आप ये नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो प्रेस ऑन बेल आइकॉन। फॉर टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर डाउनलोड दामर ऑक्स एंड्रॉइड ऐप ऑन गूगल प्ले एक्सेस द स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन अवर ऐप्स गुड लक एंड ऑल द बेस्ट